डॉक्टर विशाल टंडेल ने आने वाले त्योहारों के लिए दी शुभकामनाएं। श्रावण मास के पवित्र महीने में हर साल श्री शक्तेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है, जिसमें इस वर्ष डॉक्टर विशाल टंडेल के द्वारा पूजा अर्चना की गई। इस पूजा में डॉक्टर विशाल टंडेल ने शिव जी के शिवलिंग का बड़े भक्तिभाव रूप से अभिषेक किया और साथ में आने वाले त्योहारों के लिए सभी लोगों को शुभकामनाएं दी। नमस्कार, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सावन मास के इस पवित्र महीने में शिवरात्रि का बहुत ही अहम होता है और इसी तौर पर हर साल की तरह इस साल भी श्री शक्तेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करने का मौका मुझे मिला। मैंने शिव जी की आराधना की, बम बम भोले की प्रार्थना की और मैंने दमन दीव वासियों के लिए, हमारे देश के लिए सुख शांति समृद्धि की मैंने प्रार्थना की है। भगवान हम सब पर आशीर्वाद बनाए रखे, ऐसा मैंने भगवान से मांगा है। दोस्तों, पूरे श्रावण मास में पूरा जो हिंदू परिवार होते हैं, भाइयों बहनों, जुआन साथियों, बच्चों, सभी मिलकर हम शिव जी की आराधना करते हैं और आज जब श्रावण का जब अंतिम चरणों में हम पहुंच गए और शिवरात्रि महोत्सव जब मना रहे, तभी शिव परिवार की आराधना करके, प्रार्थना करके हमने भगवान शिव से कामना की कि हमारे दमन दीववासियों को, हमारे देशवासियों को हमेशा सुख शांति समृद्धि भरे आशीर्वाद मिले और खासकर दमन को प्रगति, उन्नति और विकास के मार्ग पर ले जाए। पुनः एक बार सभी को श्रावण मास की भी बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ साथ अभी कुछ ही दिनों में हम लोग गणेश उत्सव भी मनाने जा रहे हैं। सब मिलकर हम लोग एकता भाईचारा का संदेश के साथ पूरे भारतवर्ष में भगवान गणेश जी का आगमन के साथ प्रथम, हम कहते हैं कि प्रथम पूजन श्रावण के बाद जब होता है वो गणपति भगवान का होता है, तो गणपति भगवान एक विघ्नहर्ता के रूप में भी पूजा जाता है। तो जो भी विघ्न हमारे देश पे हो, हमारी दमन जी पे हो, हमारे प्रदेश के ऊपर हो, सभी विघ्न दूर हो जाए और श्रावण के बाद तुरंत ही हम भगवान श्री गणेश जी के आगमन की प्रतीक्षा करेंगे और सब साथ में मिलकर गणेश महोत्सव मनाएंगे। पुनः एक बार आप सभी को श्रावण के साथ साथ गणेश महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। भारत माता की जय। जय नमो।